हाँ दोस्त, तो सीए का न्यू सिलेबस अब ऑलमोस्ट सब कुछ इसके बारे में क्लियर है और बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्वेरीज आते हैं जिसका जवाब अलग अलग देना होता है। तो ये एक मैं ऐसा वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, मतलब किसी भी तरीके की कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, बच नहीं जाएगी जो आपको ना मिले। तो चलिए जनरल डिटेल में बता दूँ, सीए फाइनल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा मई 2024 से और सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम शुरू होगा जून 2024 से। नंबर ऑफ पेपर सीए फाउंडेशन में 4 हैं, सीए इंटर में 6 हैं और सीए फाइनल में 6 हैं। लास्ट एग्ज़ाम नवंबर 2023 होगा एग्जिस्टिंग कोर्स में। मैंडेटरी कन्वर्जन सब बच्चों का करा दिया जाएगा मई 2024 और उसके बाद एग्ज़ाम के लिए नए सिलेबस में। कोई साइमल्टेनियस अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट नहीं देगी, ये डिसीजन 99.99% फाइनल है। अब इसमें चेंजेज के चांसेज बेहद रिमोट हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। स्टडी मटेरियल 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में सारी स्टडी मटेरियल रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट की तैयारी ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी में ही थी, मिनिस्ट्री के अप्रूवल ना मिलने की वजह से लेट हुआ, तो उनके पास प्रिपरेशन ऑलमोस्ट है। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में ऑलमोस्ट सारे स्टडी मटेरियल रिलीज कर दिए जाएंगे। एग्जाम पैटर्न, फाउंडेशन का जो पेपर सेट किया गया है अकाउंट, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स जो 4 पेपर हैं, उसमें 2 को सब्जेक्टिव रखा गया और 2 को पूरा का पूरा MCQs बेस्ड रखा गया है। फाउंडेशन का जो लेवल ऑफ पेपर होगा वो सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड होगा, जिसमें आपके नॉलेज और टैलेंट को टेस्ट किया जाएगा कि आप कितने कैपेबल हैं एग्जामिनेशन के लिए और इस कोर्स को करने के लिए। सीए इंटरमीडिएट, सीए इंटरमीडिएट में 30% MCQs हैं, बाकी 70% एनालिसिस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सिंपल एप्लीकेशन के क्वेश्चन कम आएंगे, कंपोजिट एप्लीकेशन के केस ज़्यादा आएंगे। जो MCQs क्वेश्चन होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है। सीए फाइनल के अंदर 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 पेपर में होगा। 5 पेपर मतलब जो अदर देन हमारा इलेक्टिव पेपर है, इलेक्टिव तो अब रह ही नहीं गया, केस स्टडी वाला पेपर है उसमें, और बाकी 70% इवेल्युएशन और सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इवेल्युएशन और सिंथेसिस का मतलब है कि आपको डायरेक्ट सिंपल सिंपल कैलकुलेशन नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिनेरियो के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है वो पूछने की कोशिश की जाएगी हर पेपर में। जो पेपर नंबर 4 है अपने पास बिजनेस लर्निंग सॉल्यूशन का, जिसका हो सकता है नाम यही रहे या फिर उसका नाम मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी रहे, एक ही बात है, उसमें एक ही क्वेश्चन आएगा 100 मार्क्स का और उसका पेपर 4 घंटे 15 मिनट का होगा। ओपन बुक एग्जाम होता है नॉर्मली, वो इंडिया में होगा, इंटरनेशनल एग्जाम तो इसमें भी ओपन बुक नहीं होते, टाइम जरूर 4 घंटे देते लेकिन कहते खुद से लिखो। तो इसके क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं अगर इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे ही चलते हैं, तो वो देखिए इस तरीके के पेपर उसमें बनाए जाते हैं। मैंने एक इंटरनेशनल पेपर का स्कैन कॉपी कर लिया है ताकि आप इसको देख के समझ सकें। पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा सिचुएशन से, फिर आपको एनेक्सर के डिटेल दिए जाएंगे कि किस एनेक्सर में हम आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसके बाद 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन करना है उसमें क्या क्या क्वेश्चन ने पूछा है और कौन कौन सा क्वेश्चन कितने कितने नंबर का है, ऐसे करके पूरा 100 नंबर का ब्रेकअप आपको क्वेश्चन के साथ दे दिया जाएगा। उसके बाद में हर एनेक्सर में डिटेल आपको मिल जाएगा, जो भी रिलेटेड एनेक्सर होगा उसमें पूरी कहानी आपको समझा दी जाएगी। उस कहानी और उस एनेक्सर को पढ़ करके आपको उसका आंसर निकालना पड़ेगा। ये नॉर्मली इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के पैटर्न से अगर हुआ तो एक ही क्वेश्चन आएगा 100 नंबर का। वैसे जब इंस्टीट्यूट ने 2017 में भी सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था पहले, तो इलेक्टिव पेपर में 50-50 नंबर का रखा था, बाद में उन्होंने ब्रेक करके उसे 25 किया था। लेकिन अब की बार जो पेपर सेट हो रहा है वो पूरा का पूरा इंटरनेशनल पैटर्न का है। इवन जो सीए फाइनल और सीए इंटर में भी क्वेश्चन सेट होंगे
मेरी नॉलेज में अगर इंटरनेशनल पैटर्न के हिसाब से ही होते हैं तो हर क्वेश्चन 25-25 नंबर का रहेगा। एक बात, उसमें डिविजन्स हो सकते हैं किसी क्वेश्चन में ना हो, जैसे कॉन्सोलिडेशन है वो एक ही क्वेश्चन 25 नंबर का आ जाए, तो कहीं पे डिविजन हो सकता है, कहीं पे डिविजन नहीं हो सकता। इस बात के भी चांसेज हैं कि क्वेश्चन पेपर में अब कोई आपको च्वाइस ना दिया जाए, मतलब सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी कर दिए जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल पैटर्न ऐसा शो करता है और इंस्टीट्यूट ने जो कमिटमेंट दिखाई है कि नए कोर्स के एप्लीकेशन में और सब बच्चों का वो मैंडेटरी कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो वो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको एज इंटरनेशनली एट पार खड़े कर दें। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि शायद क्वेश्चन में च्वाइस ना मिले सारे में, इवन फाइनल में तो मुझे 90% चांस लगता है कि किसी भी क्वेश्चन पेपर में च्वाइस नहीं मिलेगा। इंटरमीडिएट में हो सकता है अकाउंट और डायरेक्ट टैक्स को छोड़कर, नहीं टैक्स वाले पेपर को छोड़ के बाकी में कुछ च्वाइस मिल जाए क्वेश्चन पेपर में, बहरहाल वो बात बाद में देखनी पड़ेगी। तो आपको क्वेश्चन पेपर समझ आ गया है, इंटर और फाइनल के क्वेश्चन एग्जाम के इवेल्युएशन में जो डिफरेंस होगा, इंटर में एनालिसिस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे और फाइनल के अंदर इवेल्युएशन और सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। अब एग्जम्पशंस पे आ जाते हैं, सर जिन्होंने ओल्ड कोर्स एग्जिस्टिंग कोर्स में कंटिन्यू किया है क्या उनको एग्जम्पशंस मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग, लॉ, ऑडिट और टैक्स, ये चार पेपर ऐसे हैं जिसमें जिसका एग्जम्पशन एग्जिस्टिंग कोर्स में हो गया है उसका नए कोर्स में एग्जम्पशन कंटिन्यूड हो जाएगा। फाइनल के अंदर FR, SFM, ऑडिट, DT और IDT, इन पांच पेपर का एग्जम्पशन एज इट इज कंटिन्यूड हो जाएगा। जो लैप्स कर जाएंगे एग्जम्पशंस वो अकाउंटिंग, EISS, SM, मतलब इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग का जो ग्रुप वन में पेपर है अगर इसमें किसी का एग्जम्पशन है तो लैप्स कर जाएगा। जो ये SM और EIS वाला पेपर है उसका एग्जम्पशन लैप्स हो जाएगा और फाइनल के अंदर कॉस्टिंग और लॉ का एग्जम्पशन लैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर्स ऑलमोस्ट हट ही गए हैं ही नहीं सिलेबस में। अब जो डाउटफुल है कि एग्जम्पशन कंटिन्यू होगा या नहीं होगा वो इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंटिंग का है और फाइनल के अंदर इलेक्टिव पेपर का है। यहाँ पे डाउट है कि ये एग्जम्पशन कंटिन्यू किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट एट लास्ट ये फैसला ले सकती है कि इन दोनों पेपर के एग्जम्पशन कंटिन्यू कर दिए जाएं स्टूडेंट के फेवर में। तो आप ये मान के चलिए कि 99% चांस है कि एडवांस अकाउंट और इलेक्टिव पेपर के एग्जम्पशन कंटिन्यू किए जा सकते हैं। आर्टिकलशिप का पीरियड आप सबको पता है दो साल का होगा, लेकिन अब आप इंटरमीडिएट पास करने के बाद ही ट्रेनिंग कर पाएंगे। आप डायरेक्ट एंट्री यानी बीकॉम के रूट से हों या फिर आप फाउंडेशन के रूट से हों। फाइनल एग्जाम अब पेपर कंप्लीट होने के आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के 6 महीने बाद होगा और इफेक्टिवली वो टाइम 6 महीने का नहीं 8 या 9 महीने का हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकलशिप कब शुरू होगी? जब इंटरमीडिएट कोई पास करेगा तो उसकी आर्टिकलशिप नॉर्मली किसी की भी शुरू होती है फरवरी के महीने में या फिर अगस्त के महीने में, तो उसके 6 महीने में कोई पेपर नवंबर में या मई में ड्यू नहीं होता। तो इफेक्टिवली जो पेपर का ड्यूरेशन बन जाएगा वो 9 महीने बाद होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो एग्जामिनेशन है वो नए सिलेबस में होने वाला है। तो आपको बहुत सोच समझ करके इसका डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग फ्री पीरियड में स्टडी करेंगे तो आपको अपनी स्टडी को भी थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करना पड़ सकता है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हम फाइनल की तैयारी कैसे करें। अब अगले पे आ जाते हैं, चूंकि बैचेज जो कि ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनलाइज्ड है इसलिए हमने अपने यहाँ क्लास शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। मेरा नया वेबसाइट है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ranjanmishra.com। वह पहले हमारा indesfundas.com वो भी चल रहा है, लेकिन ranjanmishra.com अभी हमने नया वेबसाइट लॉन्च किया है, तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, ऑलमोस्ट हो भी गई है। CA फाउंडेशन का हमारे यहाँ 9 से 12:30 में रनिंग बैच है, हमने इसी बार अप्रैल में शुरू किया। हमारा पूरा टारगेट ही नए कोर्स में काम करना था तो हमने अप्रैल से इसका काम स्टार्ट करा दिया। जो CA इंटर के बैचेज हैं न्यू सिलेबस में वो 17 जुलाई से हमारे यहाँ शुरू हो रहे हैं। सारे पेपर के होंगे, फेस टू फेस
अगर आपको परमिट करते हैं तो आप फेस टू फेस लीजिए। चॉइस नंबर वन आपका फेस टू फेस होना चाहिए, लेकिन क्लासेज फेस टू फेस दिल्ली में चलेगी लक्ष्मी नगर में, तो आप अगर यहाँ आ सकते हैं तो फेस टू फेस, अदरवाइज लाइव एट होम का ऑप्शन है आपके पास। अगर इन दोनों में भी आप सूटेबल नहीं अपने आप को महसूस करते हैं तो गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन है। फिलहाल एडवांस अकाउंट का टाइम आ गया है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड संडे 8 से 11:30 AM मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड संडे सुबह 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक इसकी क्लास चलेगी। CA फाइनल का बैच हमारे यहाँ 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे 6:45 to 10 और संडे को 12 से 3:15। और मैंने SFM के भी टीचर से बात कर ली है, ऑलमोस्ट फाइनलाइज है, कुछ दिनों में आपको उसका शेड्यूल मिल जाएगा। इसके ऑल्टरनेट डेज में SFM का पेपर होगा। हमने मिल करके इस बात को सोचा है और समझा है कि जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग सिलेबस चल रहा है जो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें एक तरीके से पढ़ने में कोरोना का भी कुछ असर रहा, पढ़ने में भी और अदरवाइज बच्चों ने बहुत दिक्कतें फील की हैं, चाहे मेरे यहाँ किसी के भी वहाँ लोगों के पास लास्ट में सिर्फ स्क्रीन का टाइम बच गया, हमेशा वीडियो देखो ये देखो, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन फैल गई और सही से कोई किसी चीज़ को कर नहीं पाया। एक ही पेपर पढ़े जा रहे तो पढ़े जा रहे हैं, अब पता लगा वही पेपर नहीं खत्म हो रहा, दूसरा नहीं हो रहा। पढ़ाने का सिस्टम बेस्ट यही है, या पढ़ने का सिस्टम, कि आप साइमल्टेनियसली एटलीस्ट 2 पेपर करें 3 पेपर करें, इंस्टीट्यूट ने अभी भी 3-3 पेपर का ग्रुप बना दिया है, और उसको ऑब्जर्व करें साइमल्टेनियसली, उसको समझें। नहीं तो पता लगा डेली FR के क्लास में आ रहे हैं, होमवर्क कर ही नहीं पा रहे। 2 क्लास साइमल्टेनियस ज्वाइन कर लिए, डेली FR, डेली SFM, सुबह में FR कर लो, शाम में SFM कर लो, या अल्टरनेट कर लो, किसी का गूगल ड्राइव ले लो, बहुत सारी चीज़ें ले रहे, दिन रात करे जा रहे हैं। अल्टीमेटली एग्जाम में उसका कुछ भी नहीं होता, फिर बाद में लास्ट में बच्चे आ जाते रिवीजन बैच पे शॉर्टकट पे, और एग्जाम में उसका आउटकम नहीं निकलता। कुछ 1-2 साल यहाँ पे ऑप्शंस था ही नहीं कोरोना के टाइम में, तो जो भी था जैसे भी था हुआ। लेकिन नए सिलेबस में मेरी अपनी एनालिसिस कहती है कि एटलीस्ट एक ग्रुप का आप प्रिपरेशन शुरू कीजिए। हमने SFM के टीचर से भी बात की और हम लोगों ने प्लान बनाया है कि 4 महीने में आपका FR और SFM एक पर्टिकुलर टाइम पे मॉर्निंग टाइम पे आपका कंप्लीट करा दिया जाए। हम 3-3 घंटे का बैच ले रहे हैं वीक में 4 डेज, मतलब संडे को दोनों ही क्लासेज होंगी, एक मॉर्निंग एक आफ्टरनून, और बाकी 3 दिन अल्टरनेट क्लासेज चलेंगी। तो ये, और इसमें फेस टू फेस क्लासेज भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। अगर आप फेस टू फेस नहीं ले सकते तो लाइव एट होम, मैं तो सबको ये कहूँगा कि फेस टू फेस क्लास लीजिए, फेस टू फेस नहीं ले सकते हैं तो लाइव एट होम लीजिए। उसके अलावे अगर वो भी नहीं लेते हैं तो गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन है, लेकिन बेट जो प्रायोरिटीज है वो फेस टू फेस की प्रायोरिटीज आपकी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन बाकी कहीं भी नहीं बन सकता है। लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है तो लाइव कोशिश कीजिए लेने का, अगर वो भी नहीं आप प्रेफर कर पाते हैं तो फिर आप गूगल ड्राइव ले सकते हैं। बाकी क्लास को कैसे करना चाहिए, कहीं भी चाहे मेरे यहाँ करें और कहीं भी किस तरीके से करना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। इस वीडियो में बस इतनी ही बात थी, बहुत बहुत धन्यवाद।